रोशनी, चल साली चल, तुझे का दिल डाला है दीदी के जैसा। Everybody, this is my story. अरे चल यार निपट जल्दी। चले, चल चल, जाओ जल्दी। अबे छोड़ दीदी का पीछा। चल निकल दे अपुन। क्या मिस्टर गोखले, आप तो एंटी रैगिंग कमेटी के चेयरमैन हो ना, आपकी क्या राय है? सर, मुझे पूरा विश्वास है पिछले कुछ सालों में कभी ऐसी कोई घटना हमारे कॉलेज में नजर नहीं आई। लेकिन बच्ची जो कह रही है उसकी बातों में कितनी सच्चाई है ये भी तो जानना जरूरी है। माया ने कभी इस परेशानी के बारे में बताया नहीं। क्या माई, आपका क्या कहना है? वो हॉस्टल की सीनियर लड़कियां हैं और उन्हें मैं पहले ही वार्निंग दे चुकी हूं। मैं क्या कहता हूं बहन जी, हमारी माया घबराने वाली लड़की नहीं, वो कभी झूठ नहीं बोलती। पढ़ाई के साथ साथ वो बैडमिंटन में भी होशियार है। एक दिन उसका फोन आया, वो फोन पर रो रही थी और उसने कहा मुझे ये कॉलेज में नहीं पढ़ना। मैं तुरंत आज आपसे मिलने आ गया सर। बोलो बेटा माया, किसी से मत घबराओ, हम सभी आपके साथ हैं। सर, रात को किताब लेकर पढ़ने बैठूं तो बीती सभी बातें नजरों के सामने आना शुरू हो जाती। वो माचिस की तीली का धुआं, वो केक काटना, वो केक को मुंह में ठूसना, वो मुझे चिढ़ाना, इतना ही नहीं बैडमिंटन कोर्ट से घर जाते वक्त की हुई बदतमीजी मैं नहीं भूल सकती। बात अगर इतनी ही गंभीर है तो हम सीसीटीवी फुटेज भी देख सकते हैं। यही है ना सब, इन्होंने ही आपको परेशान किया है ना? हाँ सर। एक दिन मैं अपने क्लास में बैठी थी, सभी स्टूडेंट्स खड़े हो गए, मेरा ध्यान नहीं था इसलिए मैं नहीं खड़ी हुई। तभी श्यामा ने मेरे बाल खींचकर मुझे खड़ा किया। सत्तू भाई का बर्थडे सेलिब्रेट करना है इसलिए सबसे पैसे लिए। सर, मेरे पास पैसे नहीं थे,
उसने मेरी पर्स छीन ली। मुझे गुस्सा आया और मैंने श्यामा को चाटा मारा। ब्रेवगार्ड, क्या आप लोगों को पता है रैगिंग इज क्राइम और इसमें आपको जेल भी हो सकती है। हेलो पुलिस स्टेशन। सर प्लीज मुझे एक बार माफ कर दीजिए, इनको पुलिस में मत दीजिए सर, ये फिर ऐसा नहीं करेंगे, मुझे विश्वास है। ये क्या किया तूने? कैसी लड़की है तू? हेलो सर, आप जल्दी आइए हॉस्टल पर। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी निधि। आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट देखकर जब कमेटी ने मुझे बताया तो मुझे आश्चर्य लगा। एक स्कॉलर लड़की बहुत साधारण परिस्थिति से आने के बावजूद भी आपने यहां तक की ऊंचाई पार की, और इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम सभी ने आपको माफ कर दिया था। सर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आप सभी को दुखाया है, मुझे पता है कि मैं गलत हो रही हूँ, लेकिन ये सब अनजाने में हुआ, क्यों हुआ इसका मुझे दुख हो रहा है। ये सब सुनकर मेरे पापा मम्मी पापा टूट जाएंगे सर, उनका मुझ पर बहुत विश्वास है, पापा की सैलरी पूरी नहीं होती इसलिए मम्मी दूसरों के घर रसोई करने जाती है, घर में बूढ़े दादा दादी, छोटा भाई, भाई की पढ़ाई का खर्चा, दादाजी की दवाई का खर्चा और उसमें मेरी पढ़ाई का खर्चा, कभी कभी एक बार खाना खाकर सब पूरा दिन निकालते हैं सर, उसमें मेरा कॉलेज में ऐसा बिहेवियर, वो नहीं सह पाएंगे सर, वो टूट जाएंगे सर, मेरी वजह से उनको जीते जी मरता देखने से अच्छा मुझे ही नहीं जीना। I want to quit सर, I want to quit सर, I want to quit। बेटा ये लाइफ बहुत सुंदर है, हम कितने खुश हैं इससे ज्यादा हमारे से लोग कितने खुश हैं ये मायने रखता है। प्रॉब्लम किसे नहीं होते, सभी को प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन हर प्रॉब्लम का हल भी है। अभी तो आप अपने जिंदगी के पहले पन्ने पर हो, अभी तो पूरी किताब बाकी है, समझी ना बेटा? सॉरी सर, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। पक्का ना? माई निधि का ध्यान रखना।